प्रतापगढ़ के नलियाबास स्थित मालिक समाज की धर्मशाला में प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत सरकारी कार्यालयों के भी पट्टी बनाई गई है। एडीएम भागीरथ साहब ने शिविर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंताओं को विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय का पट्टा सौंपा। इसी प्रकार मांडेता स्थित पशु अस्पताल बनने के लिए नाथो तालाब स्थित अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर लालचंद शर्मा को मांडेता स्थित जमीन का पट्टा सौंपा गया है। पीडब्ल्यूडी ओर से एएन बाबूलाल वर्मा ने पट्टा प्राप्त किया। शिविर में अन्य 25 लोगों को भी पट्टे वितरित किए गए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मूलचंद लुनिया, सभापति नीलोफर गोरी, उप सभापति अमित मारोठिया, आयुक्त कमलेश कुमार मीणा, पार्षद मधु बागरेचा आदि लोग मंचस्थ रहे। शिविर में वरिष्ठ प्रारूपकार उदय सिंह गुज्जर, पार्षद मुकुल मिश्रा, लोकेश जंगड़, विद्या प्रकाश बागरेचा, धनराज, लोकेश गुज्जर, इरशाद गोरी सहित अनेक लोग मौजूद। आज प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर परिषद सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 2, 5, 7, 8 का कैंप इस भवन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 90 एकड़ और कृषि भूमि के और जो अन्य जो पट्टे हैं वो तैयार करके वितरित किए जा रहे हैं। वर्तमान में आज के दिन 3 लोगों को अन्य जो उनकी निजी आवासीय पट्टे जारी किए गए वो वितरित किए गए, और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता कार्यालय के लिए भी पट्टा जारी किया गया, और उप चिकित्सा केंद्र पशुपालन विभाग को भी पट्टा जारी किया गया। ग्राम विकास अधिकारियों ने वादा खिलाफी आंदोलन को तेज करते हुए एक दिन का सांकेतिक धरना पंचायत समिति परिसर में संगठन के जिला मंत्री जीवन राम नेहरा के नेतृत्व में दिया है। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए संगठन के साथ हुए समझौतों को अविलंब लागू करने की मांग की। शाम को उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी को मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपे गए हैं। वहीं धरने पर ग्राम विकास अधिकारी संघ की स्थानीय शाखा के संरक्षक जुगल किशोर, अध्यक्ष गौरव कालेर, मंत्री मोहनलाल मेघवाल, उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह शेखावत, सुमेर सिंह महला, निमीचंद महला, गोविंद सारण, राजेश बेरवाल, महेंद्र सिंह, भंवर सिंह, कमलकांत बेदी, सहायक विकास अधिकारी ठाकुर मलकताला, घनश्याम भाटी, भवलाल बिजाणिया, रामानंद फुलवाड़े आदि लोगों ने शिरकत की। ग्राम विकास अधिकारियों की लंबित मांगों को लेकर के ग्राम विकास अधिकारी संघ काफी समय से आंदोलनरत था, जिसके मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय से 11 सितंबर 2021 को और 1 अक्टूबर 2021 को हमारा लिखित में समझौता हुआ था, और उसमें 30 से 45 दिन का समय लिया गया था, लेकिन 9 माह बीत जाने के बाद भी हमारी मांगों पे कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई है। इससे ग्राम विकास अधिकारियों में भारी आक्रोश है, और हम सरकार द्वारा किए गए वादे से मुकरने पे वादा खिलाफी आंदोलन कर रहे हैं। तो पिछले 30 जून से हमारा आंदोलन लगातार चला आ रहा है, और आज चौथे चरण में हम पूरे राजस्थान में 352 पंचायत समितियों के आगे काले वस्त्र पहन करके और सारे ग्राम विकास अधिकारी धरना प्रदर्शन, एक दिन का धरना प्रदर्शन करेंगे, और 4 बजे हम मुख्यमंत्री महोदय और के नाम से ग्राम विकास अधिकारी महोदय के को ज्ञापन देंगे, और उसके बाद में अगले 27 तारीख को हमारा ट्विटर अभियान चलेगा, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। सुजानगढ़ के निकटवर्ती ग्राम गिड़ाप में दौड़ प्रतियोगिता आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता समिति के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह शेखावत ने बताया कि 1600 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में चूरू व नागौर जिले सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 743 धावकों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में लोहा निवासी सुरेंद्र ढाका ने 4:05 में 1600 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान हासिल किया। इसी प्रकार दूसरे स्थान पर सुरेंद्र नायक रहे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि, अध्यक्षता पूर्व मंत्री खेमारा मेघवाल ने की। विशिष्ट अतिथि बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी, जिला प्रमुख प्रतिनिधि रवि आर्य, बीजेपी नेता मनमोहन सारण, कर्नल एनके ढाका, प्रेमाराम गोदारा ने प्रथम स्थान पर विजेता खिलाड़ी को 2100 रुपये नगद तथा दूसरे स्थान पर आए खिलाड़ी को 1100 रुपये नगद व प्रतीक चिन्ह भेंट करके अभिनंदन किया। गाँव गेडाप में एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया, जिसमें 743 विद्यार्थियों ने भाग लिया। संपूर्ण गांव ग्रामवासियों का इसमें सहयोग रहा, जिसमें 1600 मीटर की एक दौड़ हमने करवाई, जिसमें 2 बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड बाजी मारी, जिन्होंने एक तो 4:05 में और दूसरा जो सेकंड विजेता था उसने 4:11 में पूर्ण संपूर्ण दौड़ 1600 मीटर की, जिनको हमने 2100 रुपये व 1100 रुपये का पुरस्कार किया, और 150 से अधिक युवाओं को और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। और इसमें पूरे संपूर्ण जो ये प्रतियोगिता, इसमें कम से कम 2 से 2500 आदमी पार्टिसिपेट किया, और इसमें हमारे मेन
मुख्य अतिथि श्री अभिनेश जी महर्षि पधारे, रतनगढ़ विधायक खेमाराम जी पूर्व विधायक, और बीएल भाटी सर, और रवि आर्य जी जिला प्रमुख जी, और इसमें और भी सरपंच और हमारे आसपास के जो भी इस पार्टी प्रतियोगिता में भाग लिया।